फैजान ने देश में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे तो कोर्ट ने सजा सुनाई। फैजान ने थाने में जाकर 21 बार की तिरंगे को सलामी, बोला भारत माता की जय। देश विरोधी नारे में कोर्ट की सजा, अब फैजान का वीडियो जमकर हुआ वायरल। आजकल पूरे भारत में देश विरोधी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, यानी कुछ लोगों को शांति पसंद नहीं है। वो आए दिन कुछ न कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीडियो वायरल करते रहते हैं। ऐसा ही वाक्य मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक प्रसिद्धि पाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को अनोखी शर्त पर बेल दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केस खत्म होने तक हर महीने फैजान को दो बार भोपाल पुलिस थाने में आकर तिरंगे को सलामी करनी होगी, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी 21 बार लगाने होंगे। कोर्ट के आदेश को मानते हुए फैजान मिसरौद थाने पहुंचा और यहां उसने तिरंगे को सलामी देते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फैजान को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में आकर तिरंगे को सलामी देनी होगी, साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाने होंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान जिंदाबाद वाला वीडियो वायरल होने के बाद फैजान को गिरफ्तार किया गया था। पहले उसने इस मामले को फर्जी बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान उसका झूठ पकड़ा गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने उसे सशर्त जमानत देते हुए कहा था कि इसका उद्देश्य उसके मन उस देश के प्रति सम्मान जगाना है जहां वो पैदा हुआ और रह रहा है। आरोपी फैजान ने एक रील बनाया था जिससे उसने नशे में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। हालांकि उसने कहा था कि उसकी गलती का एहसास है। ये रील जब वायरल हुई तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बता दें कि मामले को 17 मई 2024 को भोपाल के मिसरौद पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी। जांच के बाद ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। इस दौरान वीडियो क्लिप का आधार बनाया गया। इसमें आरोपी स्पष्ट रूप से नारेबाजी कर रहा था। जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी पर पहले ही 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। दरअसल फैजान भोपाल के मंडीदीप का रहने वाला है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने फैजान की बेल पर कड़ा विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि फैजान ने जो कृत्य किया है उससे सौहार्द बिगड़ सकता है, जबकि बचाव पक्ष का कहना है कि उसे फर्जी केस में फंसा दिया गया है। इसी दौर पर राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा था कि आरोपी पर पहले ही 14 केस दर्ज हैं, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके बाद जस्टिस DK पालीवाल ने आदेश देते हुए 50,000 रुपए के बॉन्ड पर आरोपी फैजान को सशर्त जमानत दे दी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहूंगा मैं। जो गलती हो गई उससे स्वीकार हूँ मैं, और जो मेरे को हाई कोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूंगा हमेशा, और कानून का भी करूंगा, देश का भी करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप ये बताइए, आप ये सिर्फ थाने में आकर बोलेंगे या वैसे भी आप सभी के सामने? पूरी दुनिया में बोलूंगा, जहाँ पे जहाँ जाऊंगा मेरी दुनिया, जहाँ पे मेरे कदम है, जहाँ तक के हिंदुस्तान, जहाँ तक का रील बनाने के चलते हुआ था ऐसा? जी। किसने कहा था आपको चैलेंज किया था? किसने चैलेंज किया था ये अब उनका नाम तो मालूम नहीं मुझे। अब वो एक वीडियो बना रहे थे, अब वो रील हो गई। अब बस इससे क्या बोला था आपसे? जो लोग वीडियो बना रहे थे उनसे भी कहोगे क्या बोला? उन्होंने क्या चैलेंज किया था आपको कि तुम मुस्लिम हो क्या पाकिस्तान? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया, ऐसा कोई चैलेंज। बस ये किया था कि वीडियो बनाना, अपन को एक डालना है रील। अब देखो कौन नहीं बनाता, हीरो सनी देओल ने बनाया है। अब उसके चक्कर में मैंने गलती हो गई है, अब इससे मेरे को सहमत हूँ, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दूसरे से भी कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय बोले, और ऐसी कभी कोई ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करे। ठीक है, हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, कब तक आओगे यहाँ? जब तक मेरा केस चल रहा है जब तक मैं आऊंगा यहाँ पे। बोलिए ऑन कैमरा भारत माता की, ऑन कैमरा भारत माता की जय। थाना प्रभारी मनीष राजा भदौरिया ने बताया तय शर्तों के अनुसार ये पहला मंगलवार था, इसलिए फैजान थाने आया था। शर्त के अनुसार उसने 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी है और भारत माता की जय का नारा भी लगाया है। जैसे भारत विरोधी नारे लगाए थे, आज आके तिरंगे को सलूट किया है और भारत माता की जय। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आज ये पहला मंगलवार पड़ रहा था, इसका कारण के अनुसार तो आज ये समय पे यहाँ पे आरोपी फैजान आया था, और उसके द्वारा जो निर्देशानुसार 21 बार
राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट करके भारत माता की जय नारा लगाया गया है, जो कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ये इस संबंध में उससे आप बात लीजिए कि उसके पश्चाताप है या अथवा नहीं है, परंतु जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश था उसका पालन हमने मेरे द्वारा कराया गया। तो ये हर एक पहले चौथे मंगलवार को इस तरह ऐलान करवाना पड़ेगा? जी हाँ, ये प्रत्येक माह के पहला और चौथे मंगलवार को जो निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है तो उसको आना है यहाँ पे 10 से 12 के बीच में, और 21 बार राष्ट्रीय झंडा को सल्यूट करके भारत माता की जय कहना रहेगा इसको। और ये प्रकरण तब तक चलेगा जब तक इसके प्रकरण का माननीय न्यायालय से निराकरण नहीं हो जाता। सबक क्या, ये तो फक्र होना चाहिए अगर यदि किसी को मौका मिलता है राष्ट्रीय झंडा को सल्यूट करने का और भारत माता की जय कहने का, तो ये तो हर देशवासी हर भारतवासी को ये बड़ा ही फक्र महसूस करना चाहिए। और बाकी लोगों के लिए एक मैसेज है कि इसमें कोई मजाक में या कोई जानबूझ के भी इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए, देश के सम्मान को ठेस पहुंचे। सर अगर कभी नहीं आ पाया तो क्या कर लेगी पुलिस आपने? और उसका एक प्रोसेस है, जो अगर नहीं आता है तो इसका यहाँ पे रिपोर्ट डलेगी एब्सेंट की और माननीय न्यायालय को इसमें अवगत कराया जाएगा। जी हाँ, इसके फोटोग्राफ रिकॉर्डिंग की गई है, रोजनाम चाहे जो हमारे यहाँ होता है उसमें रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और माननीय न्यायालय को इसका विधिवत पालन प्रतिवेदन भेजा जाएगा। चलो।